जो आपका सुझाव इस वक्त हम वही कर रहे हैं कि गांव में किस तरह का मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुनील शाही के कमरे में मौजूद हैं, जहां पर वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। 112 बच्चों की मौत हो गई है, 400 से ज्यादा बच्चे इलाज करवा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां आप देख सकते हैं भीम आर्मी के लोग यहां पर आ गए हैं और लगातार इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं और उन्हें परेशान किया जा रहा है। जी, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष चंदन कुमार पासवान बिहार से। तो ये समय राजनीति करने का है क्या? नहीं सर, राजनीति नहीं, नहीं सर, राजनीति करने नहीं। देखिए, समाज यहाँ पर जो व्यवस्थाओं को लेकर सवाल अस्पताल के अधीक्षक से बोल रहे हैं, जो सरकार के स्तर पे सवाल होगा। हमने सर माननीय देखिए सर, हमने एक माननीय मीडिया महोदय आपको एक बात बता दे कि हम 5 दिन पहले नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री है और स्वास्थ्य मंत्री का हमने पुतला दहन किया, उसके बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री आए पहुँचे। जी, और ये काम कीजिए, आप काम करना चाहते हैं बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए तो काम करना चाहते हैं। जी, अस्पताल में बहुत गंदगी है, आप उसकी सफाई कीजिए। ये उसके लिए सरकार क्यों है? करेंगे हम, हमारी टीम करेगी सर। तो सरकार किस काम की सर? आप ये जो बात कर रहे हैं मीडिया वाले होकर, असफल है आपका जो क्वेश्चन राइज करने का, ये जो आपने क्वेश्चन किया, इस हमारा राइट है, सामाजिक संगठन है, सुनिए, सामाजिक संगठन है, इसलिए हम आए हैं। आप क्वेश्चन देखिए, आपसे हम लोग इनसे एक विचार लेने आए थे कि सर, आप क्यों आए हैं? आप क्यों आए हैं? आप जब आ सकते हैं तो हम भी आ सकते हैं, सामाजिक संगठन है। आपको बता दूं, आप जो कह रहे हैं कि हम लोग परेशान कर रहे हैं, मैंने पहले ही आकर डॉक्टर साहब से मिला और हमारे प्रदेश सदस्य चंदन जी बताए हैं। सर एक मिनट आप सुन लीजिए मेरी बात, कि हम लोग यहाँ पे गांव, हमारा सर हमारा गांव में संगठन है और हम गांव घर में अभी तो कार्य सर मैं जो काम कर रहा बता रहा हूँ, हम लोग अभी ऑटो या व्यवस्था कर चुके हैं और गांव में बात फैला रहे, हमको पूरी जानकारी नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीम आर्मी के इतने सारे जो कार्यकर्ता वो घुस आए हैं और लगातार सवाल किए जा रहे हैं, जिससे कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है उनको काम करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही, वो बार बार निवेदन कर रहे हैं इन लोगों से कि इन्हें अपना काम करने दिया जाए, लेकिन ये जो लोग आए हुए हैं भीम आर्मी के, ये सुनने के लिए तैयार नहीं है और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ बहस कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से अस्पताल जिस वक्त इतनी मुश्किल के दौर से गुजर रहा है, 400 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इलाज चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से। काफी मुश्किल है, आप स्वयं देख रहे हैं, काफी मुश्किल है। भीम आर्मी के लोग आ गए हैं आपके, भीम आर्मी के लोग आ गए आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं। ये काफी दिक्कतों की बात है, काफी दिक्कतों का बात है। हटाते क्यों नहीं है? ये हमने अभी फिर खबर किया पुलिस को, इन लोगों को हटाया जाएगा। धारा 144 लगी हुई है। अब ये तो हमका मेरा देखना काम नहीं है, धारा 144 ये तो पुलिस देखे, निकलने के लिए क्यों पुलिस देखे, निकलना इनसे तो हमने निवेदन किया है जो जाए। देख सकते हैं अस्पताल के अंदर अफरा तफरी का माहौल है और भीम आर्मी के जो लोग हैं यहाँ पर वो लगातार बहस कर रहे हैं, अस्पताल के अंदर में हल्ला मचा रहे हैं, जो कि बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पर जाहिर तौर पर स्थिति अस्पताल की काफ़ी ख़राब है, ऐसे में अस्पताल जो डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं वो इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक संगठन के नाम पर ऐसे लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं और काम को जो है वो बाधित कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर।